Welcome to Dental Pathshala. Hello friends, welcome to Dental Pathshala. और आज हम पढ़ेंगे pharyngeal pouches and cleft. तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है pharyngeal arches क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे pharyngeal pouches और cleft क्या है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो pouches होते हैं, pouches होते हैं अंदर, pouch अंदर की तरफ होता है. तो pouches जो होते हैं वो हमारे वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं. एंडो मींस अंदर, डर्मल स्किन, स्किन की ओरिजिन. क्लेफ्ट, क्लेफ्ट जो हमारे होते हैं वो होता है एक्टोडर्मल. कोई भी चीज जिसमें डेंट होगा, जिसमें इंडेंटेशन होगी, वो हमारा क्लेफ्ट होगा. क्लेफ्ट हमारा जो होता है वो एक्टोडर्मल, बाहर की तरफ का ओरिजिन का होता है. तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे पाउचेस के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे क्लेफ्ट्स के बारे में. आर्चेस जो होंगी हमारी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारी pharyngeal आर्चेस हैं वो है मीजोडर्मल ओरिजिन की. वो हमारी मीजोडर्मल ओरिजिन की है. तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स का फ्रंट व्यू, तो फेरिंग्स का फ्रंट व्यू स्टार्टिंग में हमें क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट pharyngeal आर्च, ये हमारी सेकेंड pharyngeal आर्च, ये हमारी थर्ड pharyngeal आर्च, ये हमारी फोर्थ pharyngeal आर्च और ये हमारी होगी सिक्स्थ pharyngeal आर्च. सिक्स्थ pharyngeal आर्च, फर्स्ट pharyngeal आर्च, अगेन दूसरी साइड सेकेंड pharyngeal आर्च, थर्ड pharyngeal आर्च, फोर्थ pharyngeal आर्च और ये हमारी सिक्स्थ. हमारी जो फिफ्थ pharyngeal आर्च है, फिफ्थ pharyngeal आर्च जो है हमारी, वो डिसॉल्व हो जाती है, वो रूडिमेंट्री हो जाती है, वो हमारी खत्म हो जाती है. तो हम लोग, हमारी कौन सी आर्च है, ये हमारी होगी फर्स्ट pharyngeal आर्च, सेकेंड pharyngeal आर्च, थर्ड pharyngeal आर्च, फोर्थ pharyngeal आर्च और सिक्स्थ pharyngeal आर्च. हमारा जो बाहर pharyngeal आर्च के बाहर का जो पोर्शन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लेफ्ट, एक्टोडर्मल पार्ट. बाहर का जो पोर्शन होगा ये हमारा होगा क्लेफ्ट, ये हमारा होगा क्लेफ्ट. अंदर का जो हमारा पोर्शन होगा, अंदर का जो हमारा पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा, एंडोडर्मल पोर्शन. मैंने पहले बताया आपको, इससे पहले ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पाउचेस. तो अभी आपको क्लियर हो गया पाउचेस क्या है, क्लेफ्ट क्या है. बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी होगी आर्च. तो ये हमारा एक्टोडर्म, ये हमारा एंडोडर्म और बीच वाला जो मीजोडर्म है, ये हमारी क्या है, आर्चेस है. फर्स्ट pharyngeal आर्च, सेकेंड pharyngeal आर्च, थर्ड pharyngeal आर्च, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ pharyngeal आर्च. इसके बाद, इसके बीच में तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे. एक हम लोग पढ़ेंगे नर्व, एक हम लोग पढ़ेंगे आर्टरी और एक हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा है pharyngeal आर्च की आर्टरीज पढ़ेंगे, pharyngeal आर्च की नर्व पढ़ेंगे. ये हमारी होगी pharyngeal आर्च की नर्व, ये हमारी होगी pharyngeal आर्च की आर्टरी और हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. जो pharyngeal आर्चेस में, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो pharyngeal आर्चेस की वीडियो पढ़िए. देखिए कार्टिलेज, कार्टिलेज ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है. ये हमारा मेसेनकाइमल है, ये हमारा एक्टोडर्मल है, ये हमारा एंडोडर्मल है. ये हमारा फ्रंट व्यू है फेरिंग्स का. इसके बाद जैसे डेवलपमेंट होती है, इसके बाद जब डेवलपमेंट होती है तो ये देखिए, ये हमारा क्या है. अब मैं अंदर की तरफ, अभी मैं एक साइड का व्यू दिखा रही हूं आपको. इस साइड के व्यू में हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी हम लोग बना रहे हैं पाउच. ये मेरा फर्स्ट pharyngeal आर्च, ये मेरा सेकंड pharyngeal आर्च का, ये मेरा थर्ड हो गया. थर्ड के बाद में एक ऐसा लंबा ग्रूव टाइप निकलता, ये मेरा हो गया फोर्थ. और फिफ्थ क्या है, हमारी रूडिमेंट्री हो गई. देखो फिफ्थ मेरी रूडिमेंट्री हो गई है. इसके बाद ये मेरी क्या है, सिक्स्थ. सेम मैं दूसरी साइड में बना के दिखाऊंगी आपको.
सेम हम लोग दूसरी तरफ बनाएंगे. ये मेरी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ये मेरी सेकेंड फेरेंजियल आर्च, ये मेरी थर्ड फेरेंजियल आर्च और ये मेरा कैसे घूम जाएगा, मेरी फोर्थ फेरेंजियल आर्च और ये मेरा क्या है, फिफ्थ फेरेंजियल आर्च क्या है, रूडिमेंट्री हो गया और ये मेरी सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च. अब ये हम लोग, ये है हमारा अंदर की तरफ, तो ये हमारी क्या है, पाउचेस है. अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्लेफ्ट बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे क्लेफ्ट. तो क्लेफ्ट जो है हमारा, सिर्फ फर्स्ट क्लेफ्ट ही है जो हमें पढ़ना है. इसके बाद के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारे क्लेफ्ट हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो हमारे डिसअपियर हो जाते हैं. और जो हमारा पेरिकार्डियल रिज है, ये मेरी पेरिकार्डियल, रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको, जो मेरी पेरिकार्डियल रिज है उसके साथ मिलके प्रोट्रूड करके फ्यूज हो जाता है और गैप बनाता है. लेट्स सी नाउ, ये मेरा इस तरफ वाले क्लेफ्ट्स हैं, क्लेफ्ट्स हैं, ये मेरे अंदर वाले पाउचेस हैं. दूसरी तरफ भी हम दूसरी साइड पे ऐसे ही बनाएंगे. ये मेरा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ये मेरा सेकेंड फेरेंजियल आर्च, ये मेरा थर्ड फेरेंजियल आर्च, ये मेरा फोर्थ फेरेंजियल आर्च और ये मेरी सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च. सेकेंड, अब मेरा ये क्या है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, सेकेंड फेरेंजियल पाउच, पाउचेस बताऊंगी मैं आपको, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, सेकेंड फेरेंजियल पाउच, थर्ड फेरेंजियल पाउच, फोर्थ फेरेंजियल पाउच और इधर क्लेफ्ट की बात करते हैं, फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट, ये मेरा फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट है. इसके बाद के फेरेंजियल क्लेफ्ट जो है डिसअपियर हो गए सेकेंड फेरेंजियल आर्च से. जो है हमारा यहां पे, ये मेरा क्या है, एपिकार्डियल रिज है, ये प्रोट्रूड होके इसके साथ फ्यूज कर लेता है और ये क्या बनाता है, यहां पे ये एरिया बनाएगा सर्वाइकल साइनस. ये एरिया मेरा क्या होगा, प्रोट्रूड करके सर्वाइकल साइनस बनाएगा. बीच में क्या है मेरा, ये एंडोडर्मल एपिथेलियम है मेरी और यहाँ पे मेरा होगा फोरामेन सीकम. यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये क्या है मेरा, फोरामेन सीकम. ऊपर मेरे इसके ऊपर क्या है, ट्यूबरकुलम इम्पार है. नीचे मेरे क्या है, नीचे मेरे दोनों की दोनों हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस होगी. हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस के दो पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो सिर पार्ट होता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेनियल पार्ट. नीचे वाला पार्ट मेरा क्या है, कॉडल पार्ट है, पूछ, पूछ का पार्ट. तो ये मेरा हाइपोब्रैकियल एमिनेंस है, ये दोनों मेरी क्या होंगी, हाइपोब्रैकियल एमिनेंस होगी. एमिनेंस होगी, ये मेरा होगा क्रेनियल पार्ट और ये मेरा होगा कॉडल पार्ट, पूछ वाला पार्ट, कॉडल, कॉडल पार्ट. और नीचे जो है मेरा लैरिंजियल ऑरिफिस होगा, छेद होगा. किसके लिए छेद होगा, ऑरिफिस, ये होगा ट्रैकिया के लिए इनलेट. ये मेरा क्या है, लैरिंजियल ऑरिफिस होगा. अब हम लोग, ये हमने बात की अभी तक क्लेफ्ट की बात की हमने. क्लेफ्ट में हमारा एक ही क्लेफ्ट बचता है, अब वो हमारा क्लेफ्ट कौन सा है, वो हमारा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. ये मेरा जो क्लेफ्ट है ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. अब हम लोग बात कर रहे हैं एंडोडर्म की. ट्यूबरकुलम इम्पार जो है हमारा, एक सेकेंड,
ट्यूबरकुलम इम्पार जो है हमारा, ट्यूबरकुलम इम्पार लिंगुअल स्वेलिंग्स के साथ मिला के हमारा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग बनाता है. क्रेनियल पार्ट जो है हमारा, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस का क्रेनियल पार्ट जो है हमारा, वो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग बनाता है. कॉडल पार्ट जो है मेरा, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस का ही नीचे वाला पार्ट, वो एपिग्लॉटिस बनाएगा. तो हम लोग अब बात करते हैं पाउचेस की. तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच जो है मेरा, ये मेरा फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है. ठीक है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच जो होगा मेरा वो क्या, ट्यूबर टिम्पैनिक रीसेस, ट्यूबो टिम्पैनिक रीसेस. जो मेरा ट्यूबर टिम्पैनिक रीसेस है, ठीक है, वो क्या फॉर्म बनाएगा, वो बनाएगा ऑडिटरी ट्यूब बनाएगा, वो मिडिल ईयर कैविटी बनाएगा, इनर ईयर कैविटी बनाएगा, मैस्टॉइड एंड्रम बनाएगा. तो अगर आपको याद रखना है, इजी याद रखने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मिडिल ईयर कैविटी. कैविटी वो क्या बनाएगा मेरा, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच बनाएगा. सेकेंड फेरेंजियल पाउच मेरा क्या बनाएगा, सेकेंड फेरेंजियल पाउच मेरा बनाएगा टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल. ये मेरा क्या बनाएगा, पैलेटाइन टॉन्सिल. ठीक है, थर्ड फेरेंजियल आर्च में अब दो पार्ट आएंगे. थर्ड फेरेंजियल आर्च में एक मेरा आएगा वेंट्रल पार्ट. देखिए, एक और डॉर्सल पार्ट होता है, ऊपरी ऊपरी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल. नीचे वाले को, अंदर की तरफ जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं. तो डॉर्सल ऊपरी जो होगा वो मेरा क्या होगा, डॉर्सल होगा और बल्बर होगा, बल्ब की शेप का होगा. तो ये क्या होगा, डॉर्सल बल्बर पार्ट जो होगा वो क्या बनाएगा मेरा, वो मेरा बनाएगा थाइमस. वो मेरा बनाएगा थाइमस. ये कौन सा पार्ट बना रहा है, ये मेरा बना रहा है डॉर्सल बल्बर पार्ट. नीचे का वेंट्रल पार्ट जो है, अंदर वाला पार्ट, वो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब जैसा है. ये देखिए, ये ट्यूब जैसा है. तो वेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट जो है मेरा क्या बनाएगा, ये भी थर्ड ही है. वेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट मेरा क्या बनाएगा, आई एम सॉरी, डॉर्सल बल्बस पार्ट जो ऊपर वाला होगा वो क्या बनाएगा मेरा, वो बनाएगा मेरा पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड थ्री. ऊपर पैराथायरॉयड, बीच में थायमस, नीचे पैराथायरॉयड सुपीरियर. ठीक है, ऊपर क्या आएगा, पैराथायरॉयड इंफीरियर, पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड थ्री, या फिर बोल दीजिए पैराथायरॉयड इंफीरियर. ये मेरा क्या बना रहा है, ये मेरा बना रहा है डॉर्सल बल्बर पार्ट. किसका, थर्ड फेरेंजियल पाउच का. थर्ड फेरेंजियल पाउच का वेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट क्या बना रहा है, थायमस. वो मैंने गलती से वो मिस्टेक हो गया था. तो ये मेरा क्या बनाएगा, थायमस बनाएगा. थायमस कौन सा पार्ट बनाएगा, वेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट बनाएगा. अब हमारा फिफ्थ फेरेंजियल पाउच जो है, फिफ्थ फेरेंजियल आर्च जो है, वो रूडिमेंट्री हो चुकी है. तो मेरी सिक्स्थ, फोर्थ पे आए हैं अभी हम, थर्ड हो गया हमारा. फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो है हमारा, फोर्थ फेरेंजियल पाउच ये क्या बनाएगा, पैराथायरॉयड फोर बनाएगा. देखिए, थ्री में क्या था, पैराथायरॉयड थ्री था, फोर में क्या आएगा, पैराथायरॉयड फोर आएगा, पैराथायरॉयड फोर आएगा, या फिर सुपीरियर भी बोल सकते हैं इसको. सुपीरियर पार्ट बनाएगा पैराथायरॉयड का. अब पैराथायरॉयड फोर जो है, वो जो हमारी रिसेस हो चुकी है फिफ्थ फेरेंजियल पाउच, उसके साथ मिला के ये पूरी की पूरी क्या बनाएगा, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी बनाएगा. ये मेरा क्या बनाएगा, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी. अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का. ये पूरी की पूरी फेरेंजियल है क्या, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ही है. इससे क्या बन रहा है, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी जो है मेरी, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी जो है मेरी, वो क्या बना रही है, पैराफोलिकुलर सेल्स बना रही है, सी सेल्स बना रही है. तो वो क्या बनाएंगे, पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स किसमें होंगे, थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन डेवलपमेंट में आप दोबारा पढ़ेंगे यही चीज. तो वो क्या बनाएगा, कैल्सिटोनिन बनाएगा. ठीक है, तो हम लोग दोबारा से क्विक रिवीजन करते हैं. क्विक रिवीजन में क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है, पाउचेस हैं, क्लेफ्ट्स हैं. पाउचेस में क्या आएगा मेरे, पाउचेस में आएगा, हाँ, सबसे पहले मिडिल ईयर कैविटी जो होगी वो मेरी पाउचेस से होगी. अंदर क्या है,
इनर ईयर कैविटी या मिडल ईयर कैविटी, बीच में क्या है मेरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो ये देखिए ये क्या है मेरा, ये क्या है इनर ईयर कैविटी या मिडल ईयर कैविटी, ये मेरा क्या है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, इसके बीच में जो क्या होता है मेरा, इसके बीच में मेरा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि किस में होगा फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन में होगा। फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन कौन सी है, ये फेरेंज के बीच की जो मेम्ब्रेन है ये मेरी होगी फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है ये क्या बनाएगी, ये मेरा बनाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये बाहर कान हो गया है मेरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, उसके अंदर ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मेरा क्या है, उसके अंदर मेरा इनर ईयर कैविटी बोल लीजिए, मिडल ईयर कैविटी बोल लीजिए, मैस्टॉइड एंट्रम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेरेंजियल क्लेफ्ट के पाउच के अंदर हमारा क्या होगा पैलेटाइन टॉन्सिल होगा। थर्ड फेरेंजियल पाउच जो है मेरा उसके दो पार्ट्स हैं, वेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट जो कि अंदर की तरफ है और डॉर्सल बल्बर पार्ट जो बाहर की तरफ है। डॉर्सल बल्बर पार्ट पैराथायरॉइड बनाएगा, वेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट थाइमस बनाएगा और नीचे जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच होगा उससे पैराथायरॉइड फोर बनेगा। पैराथायरॉइड फोर जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है वो फिफ्थ की रिसेस के साथ मिलकर अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी बनाएगा जो कि मेरा पेरिफेरल सेल्स या सी सेल्स बनाएंगी।